जर्नली कोई क्राइम होता है, उसके बाद कंप्लेनेंट एफआईआर लिखाता है, राइट। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस दो कंक्लूजन पे पहुंचती है। इधर वो देखती है जो भी प्रपोज एक्यूज्ड है उनके अगेंस्ट में सफिशिएंट प्रूफ है, और उनके अगेंस्ट में कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और केस को आगे बढ़ाना चाहिए, ट्रायल प्रोसीड करना चाहिए। तो वो चार्जशीट सबमिट कर देती है अपनी, या फिर वो कैंसिलेशन फाइल करती है कि नो ऑफेंस मेड आउट अगेंस्ट द प्रपोज अक्यूज्ड, देयरफॉर ट्रायल की जरूरत नहीं है, आप इस एफआईआर को यहीं पर खत्म कर दीजिए, राइट। आप कंप्लेनेंट है, आपने एफआईआर फाइल की है, आपको लग रहा है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की है, पुलिस ने कहीं पे चीजों को दबाया है, तो आप उस कैंसिलेशन रिपोर्ट जो फाइल होगी कोर्ट में उसके ऊपर प्रोटेस्ट पिटिशन फाइल कीजिए। जो भी पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करी है इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, आप सारे पॉइंट्स दें कि किन किन पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी है, और फिर वो एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करें। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, तो कोर्ट फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगी और पुलिस वालों को अपनी रिपोर्ट दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी।